चने से बने उत्पाद चना दाल और बेसन में मांग का दबाव धीरे धीरे बढ़ने के कारण मिलों की डिमांड बढ़ने से चने की कीमतें बढ़ने लगी हैं। वहीं मंडी में चने की आवक बेहद कमजोर बताई गई है, जिससे चने के दामों में सुधार का रुख बना हुआ है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश की इंदौर की मंडी में चना बढ़कर 5100 से 5125 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकारी आंकड़ों में चने की बोवनी अच्छी बताई जा रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चने की बोवनी 5% बढ़कर 89,82,000 हेक्टेयर बोवनी का अनुमान है। हालांकि व्यापारी का कहना है कि इस बार चने की बोवनी पिछले साल से कम है। उधर गेहूं के भाव पिछले सीजन में अच्छे मिलने के कारण किसानों ने गेहूं बोना पसंद किया है, जिसके चलते राजस्थान में चने की बोवनी कमजोर हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में भी चने की बोवनी 10-15% कम हुई है, जबकि कर्नाटक में 20-25% की कमी बताई गई है, जबकि महाराष्ट्र में चने की बोवनी पिछले वर्ष के बराबर है या फिर 5-10% अधिक हो सकती है। और उधर बफर स्टॉक की अगर बात की जाए तो बफर स्टॉक अगर निकाल दें तो चने का बड़ा स्टॉक नाफेड के पास भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नया चना आने में अभी 2-3 महीने का समय है और देश में बोवनी 15-20% फिलहाल कमजोर बताई जा रही है और चने के दाम अपने न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चने में स्टॉकिस्टों की सक्रियता बढ़ने लगी है, जिससे दामों में फिलहाल निचले स्तरों पर सुधार देखने को मिला है। वहीं चने दाल में 100 रुपए की तेजी रही और चना दाल 6,000 से 6,100 तक पहुंच गई और मीडियम 6,200 से 6,300 और जबकि बेस्ट क्वालिटी 6,400 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिली है। उधर तुअर में भी खरीदारी अच्छी होने से और आवक कम होने के कारण भाव में तेजी देखने को मिल रही है। तुअर महाराष्ट्र सफेद 7100 से 7,300 और कर्नाटक तुअर 7,400 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है, जबकि निमाड़ी तुअर में भी भाव में तेजी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।